हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिविल बैच टू पॉइंट जीरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्रेंड देखिए झारखंड में एक और नई वैकेंसी आ गई है फ्रेंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आई है शिक्षिका की बहाली है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से आई है तो देखती देखते हैं किस जिले में वैकेंसी आई है झारखंड के जिले से वैकेंसी आई है फ्रेंड देखते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देखिए वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे झारखंड जॉब नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो यहाँ पे ज्वाइन कर लें क्योंकि बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन और वीडियो नहीं मैं नहीं बना पाता हूँ तो यहाँ पे देखिए भेज देता हूँ देखिए यहाँ पे भेज बहुत सारा भेजा गया है तो इसलिए जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन तो देखिए यहाँ पर आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना तो देखिए यहाँ पे आर्ताधारी महिलाओं महिला अस अभ्यर्थियों से निम्नलिखित अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक सेक्ष, एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र आवेदन दिनांक 30 ग्यारह 2022 के अपराह्न पाँच बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय सिमडेगा जिले से ये वैकेंसी सिमडेगा में आमंत्रित किए जाते हैं देखिए कितनी कितनी पोस्ट निकली है किस किस सब्जेक्ट में तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में बी सी वन में बी सी टू में एस सी कैटेगरी में एस टी कैटेगरी में और टोटल यहाँ लिखा हुआ है तो देखिए फर्स्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा में यानी कि इंग्लिश या हिंदी में दो सीट है अनरिजर्व में एक सीट है और एस टी कैटेगरी में एक सीट है टोटल दो सीट है दूसरे नंबर पर देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित सब्जेक्ट में तीन तीन सीट है दो अनरिजर्व कैटेगरी में है एक एस टी कैटेगरी में टोटल तीन सीट है तीसरे नंबर पर देखिए विज्ञान में आई है दो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में एक और एस टी कैटेगरी में एक इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान में आई है एक सीट है और वो एक अनरिजर्व कैटेगरी में है इसके बाद देखिए पूर्ण शिक्षिका शारीरिक शिक्षिका मतलब पी टीचर के रूप में देखिए एक सीट है और एक अनरिजर्व कैटेगरी में है और इसके बाद देखिए पूर्णकालिक तो लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेट के रूप में एक सीट है और वो एस टी कैटेगरी में फिक्स है टोटल दस सीट है फ्रेंड तो देखते हैं क्या है और टर्म एंड कंडीशन देखिए उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान सिमडेगा में अनिवार्य रूप से दिनांक तीस ग्यारह दो हज़ार बाईस तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे साधारण डाक से भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं होगा निबंधित डाक से ही भेजना है फ्रेंड नॉर्मल डाक से आपको यह स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके बाद देखिए जो अगर भाषा शिक्षिका है और या फिर गणित शिक्षिका इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी इल, क्रिटेरिया वो देख लीजिए मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है तो देखिए शैक्षणिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपका न्यूनतम फिफ्टी प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है इसके बाद देखिए अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और जा, जाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को पाँच की छूट दी जाएगी चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी अभ्यर्थियों का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना अनिवार्य है मतलब आपको जो भी अप्लाई करेंगे उसको झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना अनिवार्य होगा फ्रेंड और देखिए यहाँ प्रशैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग आपके पास क्या क्या होना चाहिए प्रशैक्षणिक अर्ता में देखिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी तथा समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा मतलब जो पीटी टीचर में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड नेसेसरी होगा इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट आपको टेट उत्तीर्ण होना चाहिए आपका और यहाँ पर इधर देखिए फ्रेंड जो सैलरी है वो कितना मिलेगा आप लोग को देखिए देश परिलब्धि यानी सैलरी तो यहाँ पर देखिए शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत पर उपलब्धि पंद्रह हज़ार आठ सौ चालीस रुपये पर मंथ के लिए दिया जाएगा कि इसके बाद देखिए तीन वर्ष के बाद अगर आपका वर्क संतोषप्रद पाया गया तो आपका फिफ्टी परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा आपके सैलरी में और पर ईयर दो सौ पचास रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी तो यही है फ्रेंड ये सैलरी के बारे में अब देखिए नीचे और भी क्या, क्या टर्म इसमें फ्रेंड देखिए शैक्षणिक अर्ता में कुछ छूट गया था यहाँ पर देखिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बी कॉम प्रति में पचास प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है फ्रेंड देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये है और अभ्यर्थियों का मैट्रिक एवं इंटर झारखंड से अनिवार्य होना चाहिए पास इसके बाद देखिए तकनीकी अर्था किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पी या फिर डी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता कार्य अनुभव देखिए बोला गया फ्रेंड हिंदी एवं अंग्रेजी का कंप्यूटर टाइपिंग के साथ सॉफ्टवेयर जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे सैलरी इसमें इसमें है वह नौ सौ रुपए होगी सैलरी में लिखा है देखिए चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर चयनित होने वाले शिक्षक एवं नि सॉरी शिक्षिका एवं शिक्षक के कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्राथमिकता एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा कार्य संतुष्टप्रद्ध होने की स्थिति में एक वर् वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा मतलब जैसे आपका जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तो आपको एक ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर मतलब बढ़ा दिया जाएगा इसी तरह चलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा मतलब अगर जिला का कोई है तो उसको पहले प्रिफरेंस दिया जाएगा फ्रेंड इसके बाद देखिए एज क्रि लिमिट क्रिटेरिया बताई गई है अनरिजर्व कैटेगरी में पैंतीस ईयर है और अगर फीमेल में है तो अड़तीस ईयर ऐसे देख लीजिएगा आप लोग का इसके बाद देखिए अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटी में पाँच वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम सीमा छूट दी जाएगी बाकी देखिए आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अन लोगों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तीस ग्यारह दो के संध्या पाँच बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र एस के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे अंतिम तिथि के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तो फ्रेंड जो नीचे में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सब प्रकाशित विज्ञापित के प्रति जिसमें चयन की सत्या कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपथ एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट में ये डब्ल्यू डब्ल्यू पर उपलब्ध है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे फॉर्मेट बोला गया देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है नीचे में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए तो ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर ट्रेनिंग एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे सभी सभी आपको भरना है जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है इसके बाद टीचर ट्रेनिंग में आप कुछ के पास कुछ है तो ये भरिए यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में सब भरना है आपको कहाँ से किए थे और भी और यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है इसके बाद देखिए झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट सिमडेगा एप्लीकेशन पम्प सबसे पहले इसको भरना है फ्रेंड इसके बाद सेकंड में ऊपर वाला रहेगा और इसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट लगी है वो सब आपको यहाँ पे इसके नीचे अटैच करके बंद लिफाफे में और किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर सब लिखा होगा देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनु अनुलग्नक देखिए तेईस गुना दस सेंटीमीटर का स्वता लिखा हुआ दो लिफाफा होना चाहिए उसके अंदर और सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा पर अन्य स्व अभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र जो जाति का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें अटैच करना होगा और देखिए झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए फ्रेंड इसके बाद देखिए एट नंबर में देखिए क्या लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा मतलब जो भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको वहाँ कस्तूरबा गांधी बाल बालिका विद्यालय में ही रहना पड़ेगा आपको देखिए नाइन नंबर में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले उपायुक के उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा और उनका ही निर्णय अंतिम माना जाएगा अपरिहार कारणों से चयन प्रक्रिया को कभी भी स्थगित कर किया जा सकता है ये अधिकार बहुत सुरक्षित रखता है इसके बाद देखिए आवेदन करने वाले अभ्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षरों से आवेदित पद का नाम कोटी ये सब मैंशन करना बहुत अनिवार्य होगा फ्रेंड अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे मतलब अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं इसलिए मोटे अक्षरों में किस किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस कोटी से आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या एस कैटेगरी से हैं एस कैटेगरी ये सब आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो सभी अच्छे से भर के देखिए फॉर्मेट नीचे दिया गया है आप इसे सिमडेगा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सभी भर के आप लोग जल्द से जल्द तीस तारीख लास्ट डेट है फ्रेंड तीस नवंबर को उससे पहले जमा कर दें आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी फिर भी कोई डाउट रह गई हो तो मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जैसे ही मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो